हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एरिया थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर बोला गया है कि प्रूव करिए द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं जो आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तब प्रूव करिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, और पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, क्यू एन के ऊपर। तो चलिए अब प्रूफ पर आते हैं। सो प्रूफ पर आ जाते हैं। हम लोगों को बोला गया है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल वॉट पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जो कि कैसी कंडीशन है, गिविन कंडीशन है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, जब भी कभी सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दे दिए जाए तो एक हम लोग रिजल्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। तब क्या कह सकते हैं, दैट ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी इनकी, प्रोपोर्शनल। देन बी सी ले तो इधर से करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, तो इनका भी रेशियो कैसा होगा, इक्वल, राइट। अगेन थर्ड साइड कौन सी, ए सी, अगर इधर से ए सी है तो करस्पॉन्डिंग साइड इधर क्या होगी, पी आर। सो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। एंड और क्या रहेगा, एंगल ए, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ऐसा रहेगा। लेट दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर वन। जब भी कभी दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दे दिए जाए, एक इक्वेशन ऐसे फाइंड कर लेंगे सो दैट जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग पुट कर देंगे, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक ट्राइंगल हम लोग देख पा रहे हैं कौन सा, ए बी एम, ओके, एंड दिस इज फॉर ट्राइंगल पी क्यू एम। इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, अगर इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब ये भी हम लोगों ने फाइंड किया है। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, करेक्ट, क्योंकि दो ट्राइंगल्स सिमिलर थे, बाई इक्वेशन नंबर वन हम लोग यहाँ पर रख भी सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, लेट दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू, तो क्या बोला जा सकता है, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, करेक्ट। यहाँ तो हम लोगों ने लिख दिया बाई वन, और क्या मेंशन कर सकते हैं, ईच 90 डिग्री। अब देयरफॉर क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने शो कर दिया है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनके दो एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, देयरफॉर दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मेंशन कर देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ए बी एम इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन, पी क्यू एम बाई ए ए क्राइटेरियन। अब हम लोगों के पास में दो ट्राइंगल्स हैं, कैसे हैं, सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी क्या कह सकते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। मेंशन कर देते हैं, तो इधर से ए बी लिया तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, देयरफॉर कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू, इधर से उठा लेते हैं कौन सी साइड, ए एम। सो ए एम अगर हम लोगों ने लिए तो इधर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एन, यही करस्पॉन्डिंग साइड है। और इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर टू बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, वो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ की कंडीशन पे। प्रूफ में क्या है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा चाहिए हम लोगों को। तो आ जाते हैं एरिया निकालने के लिए हम लोग। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल विच वन, ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर हम लोगों को फाइंड करना है प्रूफ के केस में। सो
कर लेते हैं। सो एरिया ट्राइंगल ABC, अगर इस ABC ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होता है 1/2 बेस कितना है BC और BC के ऊपर परपेंडिकुलर कितना है दैट इज AM अपॉन ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा, सो दैट इज 1/2 बेस कितना है QR इंटू हाइट कितनी है इसकी PN राइट 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज व्हाट BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देख रहे हैं AM अपॉन PN यहाँ पे एक वैल्यू है और AM अपॉन PN अगर यहाँ से हम लोग देखें तो इसकी कितनी वैल्यू होती है AB अपॉन PQ तो पुट कर सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे दैट इज AB अपॉन PQ करेक्ट, तो क्या शो कर दिया हम लोगों ने और साथ में क्या है दिस इज व्हाट BC अपॉन QR बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके अगेन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू व्हाट BC अपॉन QR, इसका मतलब BC अपॉन QR के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग AB अपॉन PQ रख देते हैं, सो दिस इज व्हाट AB अपॉन PQ इनटू AB अपॉन PQ करेक्ट, सो AB अपॉन PQ इनटू AB अपॉन PQ कितना बन गया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर करेक्ट। अब हम लोग AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर दिया है ये किससे बाय इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि सारे रेशियोज कैसे है इक्वल हैं। अगेन हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR ये तीनों रेशियोज कैसे हैं इक्वल हैं, इसका मतलब अगर ये है तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर तो इक्वेशन नंबर 1 से किस किस के इक्वल दिया है दिस इक्वल्स टू व्हाट BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर 1 अगेन राइट। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया दैट एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR and this equals to what AB square upon PQ square equals to BC square upon QR square equals to AC square upon PR square या इसी को होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाकी की वीडियोस के लिए अपनी प्लेलिस्ट पर चले जाइए ऑलरेडी इस टॉपिक पे बने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो के साथ में, टिल देन एंजॉय वॉचिंग, थैंक यू।